ईगल बूढ़ा हो जाने के बाद क्या करता जैसा है? जैसा कि आप जानते हैं, ईगल पक्षियों का राजा होता है। वो अपने जीवन का हर एक पल राजा की तरह जीता है। बाज की उम्र जब 40 की हो जाती है तब उसका पंख भारी हो जाता है जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता है। उसका चोंच बहुत ज्यादा मोड़ जाता है और उसका नाखून बहुत बड़ा हो जाता है जिसके कारण वो शिकार नहीं कर पाता है। तो क्या बाज भूखा मर जाता है? ना बाबा ना, वो तो राजा है। वो तो अपने आप को राजा समझता है। वो अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है, अपनी नाखून को पत्थर पर घिस घिस करके तोड़ देता है और अपनी पंख चोंच से खोद खोद कर उखाड़ देता है। और ये सब करने में उसका बहुत खून बहता है और बहुत ही दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। और जब 6 महीने के बाद उसका चोंच, उसका नाखून और उसका पंख फिर से नया उगता है और वो फिर से 30 साल तक राजा की तरह जीता है। इसीलिए कहा जाता है, राजा की तरह जीना है तो राजा की तरह एटीट्यूड भी रखो। दोस्तों, हीरो हीरोइन का तो सब फैन होता है, लेकिन आप में से कौन कौन बाज का फैन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले।